कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। अ वेरी हैप्पी ऑस्पिशियस नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्रीमद्भागवतम में देवी दुर्गा जी के सुंदर नामों का, धामों का, लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके असली रूप को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम श्रील प्रभुपाद द्वारा परपट पढ़ें और माँ दुर्गा जी के बहुत उत्तम कल्याणकारी रोल को समझ पाएँ। दसम स्कंद के 11-12 श्लोक में हम सुनते हैं माँ दुर्गा जी के बहुत प्रकार के रोल्स, स्थानों पर उनकी लीलाओं के कनेक्शन में। तो श्लोक में ये कहा गया है, लॉर्ड श्री कृष्णा ब्लेस माया देवी बाय सेइंग इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पीपल विल गिव यू डिफरेंट नेम्स। और डिफरेंट नेम कौन कौन से हैं? दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या का, माया, नारायणी, ईशानी, श्रद्धा एंड अंबिका। अब स्थानों की बात करें तो वल्लभ आचार्य जी ने जो लिस्ट बताई है उसमें वर्णाशी में वो कहलाई जाती हैं दुर्गा, अवंती में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया, कोल्हापुरा में वैष्णवी या महाकाली, और रिप्रेजेंटेशन कहलाई जाती हैं अंबिका और महालक्ष्मी की मुंबई में। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके और भी बहुत डिफरेंट सारे धाम हैं और उसके हवाले से उनके नाम हैं। अब उनकी नाना प्रकार की शक्तियों का वर्णन करें तो आध्यात्मिक शक्ति और बल भक्त जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो श्री कृष्ण में सेवा में अग्रसर होने के लिए वो अत्यंत दयालु हैं और वो हर प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं। और जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं या जो भौतिक मनोकामनाओं के साथ उनको अप्रोच करते हैं तो उनको भी ऑब्वियसली तृप्त करती हैं। माँ दुर्गा जो है वो बेसिकली जो माया देवी है, माया के नाम जो है वो दुर्गा दुर्गा कहलाई जाती है क्योंकि उनको इतना आसान नहीं है प्रसन्न करना। भद्रा कहलाई जाती है क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस हैं, बहुत ज़्यादा पावन हैं, शुभ हैं। काली कहलाई जाती है क्योंकि नीले रंग का जो गहरा कलर होता है उस स्वरूप में उत्पन्न होती हैं। विजया जो है वो कहलाई जाती हैं, बहुत पावरफुल शक्ति है। एंड वैष्णवी क्योंकि शिव क्योंकि जो विष्णु तत्व हैं जो विष्णु तत्व हैं उनकी ढेर सारी शक्तियों के अंदर एक शक्ति जो है उनकी बहुत सारी शक्तियों में एक शक्ति एनर्जी जो है वो वैष्णवी कहलाई जाती हैं। हम जब हरा कहते हैं तो उस वक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में हम देवी आह्लादिनी से जो अगेन इन्हीं शक्ति दुर्गा का ही एक ऑब्वियसली स्वरूप है तो हमें बल शक्ति प्रभु की भक्ति सेवा प्रदान करती हैं, हमें कनेक्ट करती हैं श्री कृष्णा से। जो हरा है आह्लादिनी श्री दुर्गा, सीता देवी, राधिका, ये सब एक ही प्रकार की शक्ति हैं, वेरी पॉजिटिव पावरफुल वाइटल एनर्जी। और जब बहुत सिवियर दंड देने होते हैं और शत्रुओं का नाश करना होता है तो चंडिका कहलाई जाती हैं। और हर तरह की जो है वो मटेरियल फैसिलिटीज़ वगैरह मनोकामनाएं जब पूरी करती हैं तो कृष्णा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इट्स अप टू अस कि हम माँ दुर्गा को क्या अर्पण करते हैं, वो हमारी भक्ति चाहती हैं, हमें
भगवान से कनेक्ट करती हैं। तो जब हम उनको सात्विक भोजन प्रसाद अर्पण करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, जबकि बहुत से लोग उनका अपमान करते हैं जब उनको मांसाहार वगैरह अर्पण करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उससे रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो टॉप मोस्ट वैष्णवी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान के आदेश अनुसार काम करती हैं, तो सात्विक प्योर शुद्ध भोजन या प्रसाद से ही वो हमें प्रसन्न होंगी, हमें बल शक्ति आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा हम जो भी उनको अर्पण करते हैं तो उससे वो हमसे नाराज़ ही होंगी, वो स्वीकार नहीं करती इस तरह के भोजन है या भोग हैं। वी नीड टू हैव राइट टीचिंग्स फ्रॉम शास्त्र साधु एंड गुरुदेव। सो प्लीज़ टर्न टूवर्ड्स श्री कृष्णा द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भगवद्गीता। थैंक्स वेरी मच। हरे कृष्णा।